और जहां मध्य प्रदेश और भारत सरकार टैक्स वसूली को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फैला रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ सरकारी कर्मचारियों का पेट सरकार की तरफ से मिलने वाले मासिक वेतन से भी नहीं भर रहा, जिसके चलते सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की राह पर निकल पड़े हैं। इन कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए लोकायुक्त ने भी कड़ी कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। आज की हमारी खास खबर ऐसी ही एक घटना पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की खास खबर, भ्रष्टाचारी है या अधिकारी। विभिन्न विभागों के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों का समाज में एक बहुत अहम स्थान होता है। विकास को लेकर समाज में चल रही छोटी बड़ी हर बात जिम्मेदार अधिकारियों से होकर गुजरती है, लेकिन क्या हो अगर वह जिम्मेदार अधिकारी ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने लगे। जी हाँ, अपने पद का, संसाधनों का गलत उपयोग करने लगे, अपनी नौकरी को सामाजिक भलाई के बजाय निजी भलाई के लिए इस्तेमाल करने लगे। ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले की बडनगढ़ तहसील से सामने आया, जहां नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ कुलदीप किंशुक ने भ्रष्टाचार कर अपने 12 साल के कार्यकाल में करोड़ों की अवैध संपत्ति जमा की। इस मामले में एक्शन लेते हुए लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ कुलदीप किंशुक के 3 मकानों पर मंगलवार सुबह लोकायुक्त की टीमों ने एक साथ छापामार कार्यवाही की। लोकायुक्त की पहली टीम ने कार्यवाही के दौरान सीएमओ कुलदीप किंशुक के पास से 56 बैंक पासबुक बरामद की, जिनमें से 10 खातों में से 1,08,00,000 की राशि बरामद हुई। बाकी बचे 46 खातों की जांच अभी जारी है। साथ ही साथ अचल संपत्ति की 15 रजिस्ट्री भी प्राप्त हुई है। लोकायुक्त की दूसरी टीम ने कुलदीप किंशुक के पैतृक मकान पर कार्यवाही की, जिसमें लाखों की संपत्ति और जेवरात बरामद किए गए। लोकायुक्त की तीसरी टीम ने कुलदीप के डुप्लेक्स मकान पर कार्यवाही की, हालांकि मकान को खाली बताया जा रहा है। खुद मकान को करोड़ों की संपत्ति में गिना जा रहा है। जी हां, किंशुक का जो मकान है उसे करोड़ों की संपत्ति में गिना गया है। लोकायुक्त की तीनों टीमों ने एक साथ सीएमओ कुलदीप किंशुक के 3 ठिकानों पर कार्यवाही। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कुलदीप किंशुक ने 12 साल अपनी नौकरी की और लोकायुक्त की कार्यवाही में मिली संपत्ति 5,63,00,000 सामने है, जो उनकी कुल आय से 1,500 गुना आकी गई है। 1,08,31,733 HDFC बैंक के 10 अकाउंट का है। और अन्य स्थान के 43 खाते बाकी है, मतलब एक ही खाते में ये निकला है। 10 खाते में, एक बैंक में 10 खाते, एक बैंक में 10 अलग अलग खाते में। आगे क्या कार्रवाई? आगे अभी जो और बैंक बचे हैं, कुछ मैंने प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, उनकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। आपको विदित है कि ये काफ़ी शिकायतें मिलने पर सीएमओ बडनगर कुलदीप निशुल्क के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर छापे की कार्रवाई की गई। अभी तक 3 स्थानों पर छापे की कार्रवाई के उपरांत जो स्थिति सामने आई है, उसमें सर्वप्रथम अगर हम देखें तो कृषि भूमि लगभग जो है 22 बीघा,
जिसे एक हम अनुमानित तौर पे 88 लाख रुपए की मानते हैं, और भवन मकान के रूप में कि टोटल जो भवन है, दो आलीशान भवन, एक कच्चा मकान जो है माकरोन में मिला है, उज्जैन शहर में एक डुप्लेक्स और दो निर्माणाधीन मकान मिले हैं, एक माकरोन में प्लाट भी मिला है, और ये सब जो है इनकी अगर अपन कीमत तो, चूँकि रजिस्ट्रार ऑफिस से अभी हम उसको वेरीफाई करेंगे, इसके अतिरिक्त तो दो चार पहिया वाहन, एक क्रेटा गाड़ी और एक WRB, और बड़नगर से हमारी टीम को कुछ 52-54 कुछ बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं, और यहाँ तक महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिली है कि HDFC के 3-4 खातों में इस व्यक्ति के पास लगभग 1.8 करोड़ रुपए तो बैंक में जमा है, जो इसकी एक बहुत बड़ी असेट है। और इन ऑल टोटल तीनों जगह पर छापा डालने के बाद अभी तक हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि लगभग 5 करोड़ और 63 लाख रुपए की हमने इनकी संपत्ति आंकी है, जिसका विस्तृत खुलासा विवेचना के दौरान किया जाए। तो लापता या कुछ लापता मिले? तीनों स्थानों पर जब सर्च के दौरान कार्रवाई में बहुत प्रयास करा, लेकिन किसी प्रकार का कोई लॉकर अथवा, क्योंकि जितना भी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी मिली थी वो सिर्फ केवल माकरोन में मिली है, जिसमें 452 ग्राम सोना था और 2 किलो 80 ग्राम चांदी थी। तो सीले भी मिली इसके घर में? जी हाँ बिल्कुल, माकरोन में इसके निवास स्थान पे जो है हमें कुछ 80-82 सीले मिली हैं, जो विभिन्न फर्मों की और जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में बिल भुगतान के संबंध में उपयोग होती हैं, अत्यधिक सीले वही हैं, क्योंकि इनके घर से कुछ खाली बिल विभिन्न फर्मों के मिले हैं, जैसे अक्षत इंटरप्राइजेज है और आपके गायत्री इंटरप्राइजेज है, इस प्रकार के कुछ मिले हैं, तो वो उसका कहाँ लिंक है ये विवेचना में क्लियर होगा। दो और फर्मों के नाम आ रहे थे, उनका क्या भूमिका? अब एक्चुअली ये बड़नगर में दो CMO इनके घर पे मिले हैं, उनके हमारी टीम में कथन दर्ज किए गए हैं, अब ये विवेचना का विषय है कि उसमें क्या निकल के सामने आता है, ये बाद में क्लियर होगा। से हमने जब सर्चिंग शुरू की है, अभी तक इनके जो मकान तलाशी में सामान और इनकी फोर व्हीलर और इनकी जो इन्वेंट्री है वो 16 लाख करीब की आई है, और इनके परिजनों, इनके खुद के और इनके परिजनों के नाम, कुलदीप किंसुक जी के, इनके परिजनों के नाम से 56-56 अकाउंट मिले, इन अलग अलग बैंकों से है वो, इनकी जाँच अभी हम कर रहे हैं, जारी है, और 15 अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री जिसमें प्लॉट वगैरह या कहीं जमीन वगैरह है, जिनमें इनके एक रजिस्ट्री के परिजनों के नाम और दूसरे अन्य लोगों के नाम से है, उनके बारे में और पूछताछ कर जानकारी की जाएगी, और अभी सर्चिंग हमारी जारी है। अचल संपत्तियों की कीमत अभी आकलन हमने अभी कर रहे हैं, जैसे इसका पूरा आंकड़ा आएगा आपको बताया जाएगा। हाँ, इनकी जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, दो CMO जो उनके दोस्त बताते हैं, एक मायपुर CMO और एक कोलाई कला शाजापुर के CMO हैं, जो इनके मित्र बता रहे हैं, और इन दो इनके गांव के लोग हैं जो हैं अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये कुछ एक आध माह पहले कोरोना के सिम्टम्स आए थे, क्वारंटाइन थे, और उनका हलचल लेने और दोस्त हैं इसलिए मिलने आए थे, सब बता रहे हैं, ये भी अभी इसकी तस्दीक की जाएगी। बैंक जो बड़नगर के जो बैंक हैं 12 का नंबर है, हमने पत्र जारी कर दिया है, उसकी डिटेल अभी हमारे पास आई नहीं, जैसे ही डिटेल प्राप्त हो जाएगी कि कितना में अमाउंट है तो वो जानकारी मैं बता सकता हूँ। जो अभी बड़नगर की सर्चिंग में जो जो जानकारी मुख्यतः रूप से प्राप्त हुई है वो मैंने आपको बता दी है, और इसके वहाँ दो जगह जो सर्चिंग कर रही हूँ उसके बारे में मुझे लाख का जो घरेलू सामान, और मैंने बताया था कि इसमें एक वाहन भी है, क्रेटा
गाड़ी है जो कि 11-11.5 लाख की ओनली क्रेटा ही है। बाकी फिर 3 AC लगे हुए हैं, 2 फ्रिज है और भी बेड वगैरह या और भी कुछ ज़रूरी उपयोग का सामान है वो ऐसा टोटल ये रजिस्ट्री हमने के दौरान ये अभी वो हम जाँच कर रहे हैं। ये CMO है नगर पालिका परिषद वड़नगर के श्री कुलदीप किंशु, इनके विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच की गई। जांच पर ये पाया गया है कि इनके द्वारा ये सेवा में 2008 में आए हैं, उसके बाद में वर्ष 2010 के बाद इनके द्वारा 21 बीघा जमीन कुछ प्लाट क्रय किए गए हैं तथा इनके द्वारा अपने पैतृक गांव माकरोन में एक 3 मंजिला भवन, 1 2 मंजिला आलिशान भवन, उज्जैन में एक डुप्लेक्स क्रय करना तथा 2 4-पहिया वाहन क्रय करना, कुल मिलाकर अभी तक की जांच से इनके जो आय का स्रोत है या इनको जो तनख्वाह मिली है वो लगभग 30 लाख रुपए होती है और प्रारंभिक रूप से जांच पर इनके यहाँ 3.75 करोड़ की संपत्ति इनके द्वारा अर्जित करना पाया गया है। अभी इस संबंध में और जांच जारी है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, इसमें सत्यापन के पश्चात एक टीम का प्रभार मुझे मिला। मैं इंस्पेक्टर संतोष जमरा, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन। हम लोगों ने यहाँ जब सर्चिंग शुरू की तो अभी हम लोगों को करीबन अलग अलग बैंकों के 40 अकाउंट करीबन मिले हैं, उनको हम देख रहे हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। सर नकदी कितना क्या मिला? नकदी अभी ज़्यादा नहीं मिला है, करीब 20-22 हज़ार रुपये के आसपास ही है, अभी तलाशी जारी है। सर कुछ शासकीय दस्तावेज भी यहाँ से मिले हैं क्या? शासकीय दस्तावेज की कुछ फाइलें हैं और अभी चूँकि हमारी सर्चिंग अभी शुरू ही हुई है तो अभी वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं पूरा। अभी थोड़ी देर बाद और अभी क्या क्या मिलता है वो आपको बता दिया जाए। उच्च पद पर बैठे कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार की चादर ओढ़ कर बैठ चुके हैं, जिनकी वजह से सरकार की ओर से विकास और समाज की भलाई के लिए दी गई राशि आम जनता तक नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण सालों तक विकास का काम आम लोग अपनी समस्याओं में उलझे रह जाते हैं और जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस जाते हैं। लेकिन लोकायुक्त की इस तरह से कार्यवाही से भ्रष्टाचार से घिरे अधिकारियों के अंदर डर पैदा होता है। ऐसे कितने ही कुलदीप किंशु और भी हैं जिनका अभी पर्दाफाश होना बाकी है। बिल्कुल ठीक सुना, कुलदीप किंशु तो एक है लेकिन उनकी ही तरह जाने कितने भ्रष्टाचारी होंगे जिनके राज अभी खुलने बाकी हैं। देखना यह है कि लोकायुक्त की अगली कार्यवाही किस भ्रष्ट अधिकारी पर होती है, यानी अगली गाज किस पर गिरती है।